हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है फॉर मैथमेटिक्स फॉर यू बाय आर एस अग्रवाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 21 वन दैट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया जिसकी एक्सरसाइज ट्वेंटी वन बी आज हम सॉल्व करने वाले हैं और सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको प्रीवियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आसानी से मिल जाएं और नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिएगा तो आपको जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा तो इस टॉपिक में दैट इज़ एक्सरसाइज ट्वेंटी वन बी में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कम फ्रेंस ऑफ द सर्कल तो सर्कम फ्रेंस ऑफ द सर्कल जो है दैट इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल जैसे हम बाउंड्रीज लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पढ़ते हैं उसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है जिसको हम सर्कम ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं तो मान लीजिए अगर ये एक हमारा सर्कल है और इस सर्कल में हमने एक फ्रॉम द सेंटर ओ हमने एक लाइन ड्रॉ की टू इट्स सर्कम जिसको हम बोलते हैं रेडियस दिस इज कॉल्ड रेडियस आर तो सर्कम ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू टू पाए आर जहां पर पाए की वैल्यू होती है ट्वेंटी टू अपॉन सेवन ओके सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ आर तो अगर हम ये पूरी लाइन दोनों ही साइड में ड्रॉ कर देते हैं मतलब आर प्लस आर इसको हम बोलते हैं डायामीटर वी कॉल इट इज डायामीटर डायामीटर इज रेडियस प्लस अनदर रेडियस मतलब टू आर जिसको हम स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ भी हो जाता है तो सरगम फेरेंस ऑफ़ द सर्कल को हम चाहें तो डायमीटर के टर्म्स में पाए डी भी लिख सकते हैं वेअर इज द डायमीटर ओके okay, तो सर्कम फेरेंस ऑफ द सर्कल इज टू पाई आर और डायमीटर के टर्म्स में हम लिख सकते हैं पाए डी पाए इंटू डी और जहां पर पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन होती है तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन है फाइंड द सर्कम फेरेंस ऑफ द सर्कल हुज हुई ट्वेंटी एट सेंटीमीटर तो यहां पर आपको रेडियस मतलब आर की वैल्यू दी गई है ट्वेंटी एट सेंटीमीटर तो आपको यहाँ पे सर्कम फेरेंस निकालना है एज वी नो दैट लिख सकते हैं टू इन टू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन आर की वैल्यू है ट्वेंटी एट तो ये कैंसल आउट हो जाएगा सेवन फोर ज्वेंटी एट सो वील गेट हि सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर सो दिस इज दी सर्कम फेरेंस ऑफ द सर्कल सिमिलरली रेडियस अब हमको दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर तो इसका हम सर्कम फेरेंस निकालेंगे सेम इसी फॉर्मूले के साथ दैट इज इक्वल टू टू बाई आर सो टू इन टू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन मल्टीप्लाइड बाय आर टेन पॉइंट फाइव ये कैंसिल आउट हो जाएगा सेवन वन ज सेवन सेवन फाइव ज थर्टी फाइव सो वील हैव द आंसर आए सिक्सटी सिक्स सेंटीमीटर नेक्स्ट इज 3.5 मीटर मतलब रेडियस आपको गिवन है 3.5 मीटर सो सरगम जो होगा इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे सो आर हमको दिया गया है थ्री पॉइंट फाइव तो सेवन को हमने डिवाइड किया थ्री पॉइंट फाइव से सो इट विल कम आउट टू बी पॉइंट फाइव सो ऑन मल्टीप्लीकेशन विल गेट दी आंसर एज ट्वेंटी टू सेंटीमीटर

2s are 14, so we will get the answer as 44 cm. Next, we have diameter given a 35 centimeter. So, circumference will be equal to pi d, that is equal to 22 upon 7, d is 35, 7 fives are 35, we will get the answer as 110 cm. Next is given 10.5, so d is given 10.5 meter so circumference will be equal to pi d pi is 22 upon 7 multiplied by 10.5 so we'll get the answer here 7 ones are 7 5s so we'll have this as 33 meters hence this is the solution नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री फाइन द रेडियस ऑफ द सर्कल हुन सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर तो यहां पर आपको सर्कम फेरेंस गिवन है तो रेडियस कैलकुलेट करना है सो वी कैन राइट योर इन द गि दैट इज सर्कम फेरेंस सर्कम फेरेंस इज़ 176 सेंटीमीटर सरकम फ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर सो 176 इसके इक्वल हो जाएगा सो आर विल बी इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाय टू और पाई की वैल्यू 22 टू अपॉन सेवन सो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 इलेवन ज़ा टू एट जा एंड टू एट ज़ा एंड इलेवन एट ज़ा टू फोर ज़ा सेवन फोर ज़ा ट्वेंटी फोर फाइंड डायमीटर ऑफ द व्हील हू सर्कम फेरेंस इज टू सिक्सटी फोर सेंटीमीटर सो यहाँ पर आपको डायमीटर निकालना है तो सर्कम आपको गिवन है सर्कम इज इक्वल टू 264 सेंटीमीटर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर आपको निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं पाई डी 264 सो डी इज इक्वल टू 264 डिवाइडेड बाय पाई दैट इज 22 अपॉन 7 सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बाय टू वन जलेवन टाइम्स चला गया टू वन 2 टू टू फोर सॉरी टू थ्री जो टू एंड इलेवन वन जा and 11 twos are. So, 12 sevens is it is 84 centimeter. Therefore, diameter of circle is 84 centimeter. Hence, this is the solution. Next question number 5, find the distance covered by a wheel of car in 500 revolution if the diameter of the wheel is 77 centimeter. तो यहाँ पर आपको डायामीटर गिवन है तो सरकम आप निकाल सकते हैं तो पहले हम लिख लेते हैं डायामीटर ऑफ व्हील इज इक्वल टू सेवेंटी सेंटीमीटर तो अब यहां से आप निकाल सकते हैं सरकम फेरेंस देर फोर द सर्कम फेरेंस इज इक्वल टू पाई डी मतलब ट्वेंटी टू अपॉन सेवन मल्टीप्लाइड बाय दिस इज डी दैट इज सेवेंटी सेवन टू सेवन इलेवन टाइम्स ये कैंसल आउट हो जाएगा सो वील हैटी टू सेंटीमीटर और इसको हम मीटर में लिख सकते हैं टू पॉइंट फोर टू मीटर्स नाउ वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड सो वी कैन से डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवल्यूशन मतलब एक रेवल्यूशन में एक सर्कमफरेंस कंप्लीट होता है मतलब टू पॉइंट फोर टू मीटर्स कवर होता है डिस्टेंस तो अब आपको निकालना है फाइव हंड्रेड रिवल्यूशन के लिए देर फोर डिस्टेंस कवर्ड इन फाइव हंड्रेड रेवल्यूशन विल बी इक्वल टू टू पॉइंट फोर टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव हंड्रेड सो वील गेट दिस एज वन टू वन जीरो मीटर्स एज दी आंसर दिस इज दल्यूशन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ़ द कार इज सेवेंटी सेंटीमीटर हाउ मेनी रेवल्यूशन मेक इट टू ट्रेवल वन पॉइंट सिक्स फाइव किलोमीटर्स तो यहाँ पर यही ऊपर वाली जैसे करना है व्हील का डाया मीटर आपको गिवन है तो हेयर वी आर अगो राइट ही डाया मीटर ऑफ व्हील इज सेवेंटी सेंटीमीटर एंड सर्कम फेरेंस आप निकाल सकते हैं 22 7 मल्टीप्लाइडी सेंटीमीटर सो आप लिख सकते हैं वन सेंटीमीटर में कवर होगा वन अपॉन टू टू जीरो रेवल्यूशन सो वन पॉइंट सिक्स फाइव किलोमीटर्स मतलब इसको हम लिख सकते हैं टेन हंड्रेड इन थाउजेंड इन मीटर्स एंड हंड्रेड फोर किलोमीटर्स सो ये आ गया आपका सेंटीमीटर्स में तो ये लिख सकते हैं वन पॉइंट इन टू टेन टू दावर फाइव हो जाएगा मतलब फाइव टाइम्स जीरो आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू टू जीरो सो हियर वील गेट दंसर एज ये कैंसल आउट हो गया इट इज सेवन फिफ्टी रेवल्यूश हैं दिस इज ऐ सोल्यूशन आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियोज पसंद आ रहे होंगे अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग